हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आनंद और आपका स्वागत है हमारे चैनल पटना ब्लॉगर्स में। और हर बार की तरह फिर से मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार सा जो है वीडियो बना करके दिखाने लेके जा रहा। हमारे वीडियो का टाइटल है कि पटना से दिल्ली के लिए सीधी जो है बस सेवा शुरू हो गई है। मैं आपको बता दूँ, BSRTC ने सीधी जो है पटना से दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू कर दी है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने सीधा सीधा पटना से दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू कर दी है। अभी फिलहाल जो है पटना से दिल्ली के लिए 5 बसों को चलाया जाएगा। BSRTC ने ये फैसला लिया है। पटना के जो है वो बस स्टैंड से जो है ये बस सेवा सीधी सीधी जाएगी आपकी आनंद विहार बस टर्मिनल तक। जैसा कि आपको मालूम ही है, दिल्ली में आनंद विहार बस टर्मिनल है जो कि एक जो है वो इंटरस्टेट बस टर्मिनल है। यहाँ से जो है वो पूरे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के लिए बसें चलती हैं। तो खबर यही है कि दिल्ली और पटना के बीच में जो है बस सेवा शुरू हो गई है। BSRTC ने तय किया है कि BSRTC की बड़ी बड़ी बसें जो हैं वो बिहार के पटना शहर से जो है अब सीधे सीधे दिल्ली के लिए जाएंगी और ये जो है कुल मिलाकर के 5 बसें होंगी। जैसे कि आपको मालूम ही है, पटना से दिल्ली के बीच में लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी है और बसों का टिकट जो है वो लगभग 2000 से 2500 के बीच में होगा। और फुली ये जो है AC बसें होंगी और ये बड़ी बड़ी वॉल्वो की बसें होंगी। इसमें अंदर में स्लीपर की भी सुविधा होगी और इनका स्लीपर कैसा होगा वो मैं आपको दिखाने लेके जा रहा हूं। तो यही खबर है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। वीडियो को लाइक करने के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे ताकि हम यूं ही ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियोस बना करके नए नए टॉपिक्स पे आपको दिखाते रहें, ताकि हम आपको ऐसे ही बिहार और पटना को एक्सप्लोर करके उस पर वीडियो बना करके आपको दिखाते रहें।